बच्चों कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने टॉपिक लेके आए हैं भिन्न। भिन्नों बच्चों की डिमांड का था कि मैडम भिन्न का जोड़ कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है और घटाव कैसे होता है, वो आप वीडियो लेके आओ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा और भाग, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भिन्न, भिन्नों का अपने करते हैं जोड़। जैसे अगर मैं बात करूं एक बटे दो प्लस एक बटे तीन, तो इसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? तो दो और तीन का सबसे पहले निकालेंगे अपने एलसीएम। एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो पीछे मैंने वीडियो डाली है, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो। दो पे जाएगा दो एकम दो, फिर यह तीन पे जाएगा तीन एकम तीन, तो आंसर कितना आएगा, दो तीन इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स। यानी दोनों का एलसीएम कितना हो गया, सिक्स आ गया। अब अपने आगे कैसे करेंगे, मेन पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। जो सबसे पहले अपने ये लेते हैं, दो को छह से डिवाइड करते हैं। दो को जब छह से डिवाइड किया तो कितना आया, टू की टेबल में सिक्स छह पे आता है। जितना उत्तर आता है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तीन। प्लस का निशान है, बीच में प्लस लगेगा। तीन को छह से भाग देते हैं, या मतलब छह को तीन से भाग देंगे। छह को किससे भाग, नीचे वाली जो नीचे वाली संख्या होती है उनको डिवाइड करते हैं। तो तीन के टेबल में छह कितने पे आता है, दो पे आता है। और दो को ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं कितना आएगा, तो आंसर कितना होगा, तीन और दो कितने हो गए, पांच बटे छह। इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं माइनस की, एक बटे दो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं अपने, दो बटे चार माइनस छह बटे आठ। अब इसका अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस अपने कैसे करेंगे, अब देखो दोनों में एलसीएम कितना आएगा, चार और आठ का एलसीएम निकाल के देख लेना, आठ आएगा। चार और एलसीएम आठ का एलसीएम कितना है अपना, आठ है। अब देखो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। चार की टेबल में आठ है वो कितने पे आता है, दो पे आता है। दो आंसर आया, दो को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आया अपना, चार। उसी प्रकार आठ को आठ से डिवाइड करते हैं, वन। वन को छह से गुना करेंगे कितना होगा, छह। छह में से चार गए कितने हुए, माइनस के आठ। अब ये आंसर है। अगर हमेशा धारणा, भिन्न में अगर कोई संख्या कटे तो अपनी उसको काट सकते हैं। अगर ये दोनों एक की टेबल में कट रहे हैं, माइनस एक बटे चार, तो आंसर कितना हो गया, माइनस एक बटे चार, इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अब अपने करेंगे भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चार बटे पांच इंटू दस बटे आठ, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, या अगर कोई संख्या आपस में कटे तो ऊपर नीचे तो उसको अपने काट सकते हैं। अगर मैं चार की बात करूं तो चार से दो कट गया आठ, पांच से ये कट गया दो, ठीक है, दो बटे दो। अगर दो बटे दो को मैं काटूंगी तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना, एक, इसका करेक्ट आंसर है। ये तो था जब दो वाली संख्या हो, अपने इसी किसी भी कितनी भी संख्या हो सकती है, जैसे छह बटे तीन इंटू नौ बटे चार इंटू, अगर मैं बात करूं बारह बटे अठारह, अगर इसका आंसर कितना होगा। अब देखो जो कटे उसको काट दो, अठारह से ये कटा कितने पे होगा, दो। ये कट गया कितना हुआ, तीन। तीन से तीन गया, कितना बचा, छह बटे दो, तो आंसर कितना आ गया अपना, तीन, इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह अपने भिन्नों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके कर सकते हैं। अगर सेम टेबल में अगर कोई संख्या कटे तो उसको काट के भी अपने आंसर हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? अब अपने करते हैं भिन्नों का डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई एडिशन और जो सब्सट्रैक्शन है वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है डिवाइड में। अब डिवाइड अपने भिन्नों का कैसे करते हैं उसमें दिक्कत आती है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं चार बटे आठ डिवाइड है कितना, आठ बटे चौबीस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका होता है, सेम संख्या अपने ने सेम नोट कर ली, मल्टी डिवाइड की जगह मैंने निशान लगा दिया मल्टीप्लाई का। जब मैंने डिवाइड का जब निशान चेंज किया है तो इधर वाली जो संख्या है वो व्युत्क्रम हो जाएगी, मतलब संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, ये ऊपर चल जाएगी और ये नीचे, तो इसको मैं उल्टी करके लिख दूंगी, कौन सी ओनली इधर वाली संख्या होगी। अब अगर कोई कटे आठ या चौबीस, ये कट गया किससे, दो से, तो आंसर कितना आ गया अपना, तीन बटे दो, इसका करेक्ट आंसर है। इसी अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन की, पांच बटे बारह भाग चौबीस बटे छत्तीस,
अब ये आंसर है, अब इसको सेम है ये संख्या है तीज लिखी हुई है, बाकी जगह क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा, ये संख्या उल्टी हो जाएगी 36/24। अगर कटे तो इसको काट दो, 3 पे कटा और ये कट गया अपना 8 पे, तो आंसर कितना हो गया अपना 5/8, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। इस तरह अपने भिन्नों का जोड़ गुना भाग और घटाओ आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।